हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज एक औषधीय पौधे अड़ूसा से मिलते हैं। इसके गुण से सभी लोग ज़्यादातर परिचित होंगे। और अभी इतने में जो मुझे कुछ और दो तीन चीज़ें इसके बारे में पता चली है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखिए, इस मौसम में जैसे पतझड़ लगा हुआ है अभी, तो यदि ये पीले पीले पत्ते दिख रहे हैं, ये तो ये जो झड़ते हैं जब, तो हम इनको उठा के रख लें। और देखिए, जैसे इसमें भी फूल भी आया हुआ है। और ये देखिए, इसके अगर अपन फूल भी तोड़ के रख लें तो उससे गुलकंद बनता है। अच्छा, पहले पत्तों पर ही बताती हूँ। तो ये जो पत्ते हैं, इनको अगर हम सुखा के रख लेते, सूखे हुए पत्ते भी हम उठा के रख लेते हैं, और इनको जैसे सर्दी जुकाम हुआ और आपकी खांसी है और वो बैठ नहीं रही है, तो थोड़ा सा है कि आप एक उपला ले लें जो कि गोबर से बनता है, सूखा हुआ उपला ले लें, और उसके ऊपर थोड़ा एक आध चम्मच घी डाल लें, थोड़ी अजवाइन, और इसके सूखे हुए पत्ते डाल दें। सूखे हुए पत्ते डालने से फिर जो हल्का हल्का धुआं होगा, उसमें आप आसपास घूमते रहें और उस धुएं को ले लें, तो जो लंग्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, कफ है वो भी निकल जाता है, और बेहद आराम आता है। अब हम जो अड़ूसा नाम से लिक्विड तो हमें बाहर मिलता ही है, जिससे सब परिचित है, जो सर्दी कफ खांसी है। और लेकिन जो ये पौधा है, इसके उपयोग जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर एक बंगाली है हमारी पहचान की आंटी, उनसे मुझे पता चला, तो मैंने आज ही सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ ये डिटेल जानकारी। तो बताइए, सुनिए, देखिए कैसा लगता है, कमेंट्स में जवाब दीजिए। थैंक यू।